हेलो गाइस, वेलकम इन Qphix अप्लायंस रिपेयर। आज आप देख सकते हैं ये हमारे पास एलजी का एक टॉप लोड का ड्रम है 6.5 केजी का, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो गियर बॉक्स है वो ख़राब है। तो अभी आज हम इस गियर बॉक्स को चेंज करेंगे और देखेंगे क्या है पूरा प्रोसेस। तो बने रहे वीडियो के साथ और अंदर देखें। तो ये जो अभी इसका सबसे पहले इसका अपन डिसअसेंबल करते हैं मशीन को। तो इसमें सबसे पहले पल्सेटर खोलेंगे, तो पल्सेटर खोलते हैं इसका सबसे पहले। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम इसका ये गियर बॉक्स जो है, ये आप देख सकते हैं ये जाम हो रहा है, जबकि ये फ्री होना चाहिए दोनों तरफ से। अब एक तरफ से तो सही है लेकिन दूसरी तरफ से ये जाम हो रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, इसकी जो सील है वो कट भी गई है, तो नीचे पानी भी आ गया। इसकी ड्रेन मोटर और ड्रेन असेंबली खोल लेंगे। अलग कर लेंगे, मोटर को भी खोलनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटर अलग कर ली हमने। और अभी इसका जो बीच का चकनट होता है, जो ड्रम का चकनट होता है, उसको वो गल गया है, उसको काटना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये जो इसका चकनट है, ये वाला नट सेंटर बोल्ट, ये इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये जो नट है ये गल गया है पूरा, ये खुलेगा नहीं। तो मैं इसको काट के मिलता हूँ आपसे। तो अभी इसमें ये केमिकल डाल दिया है, और केमिकल डालने के बाद इसको 15-20 मिनट आधे घंटा छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम इसका जो पीछे का गियर बॉक्स का जो बोल्ट है वो खोल लेते हैं। ये चारों बोल्ट खोलने पड़ेंगे अपने को, चारों बोल्ट अभी इसमें केमिकल डाले आधा घंटा हो गया है, और अब इसको खोलेंगे। थोड़ा ठोक के खोलना पड़ेगा इसको। ये इसका ओल्ड वाला गियर बॉक्स है, जो कि पानी आने की वजह से पूरा ख़राब हो गया। अभी नया रिप्लेसमेंट करेंगे, उससे पहले इस मशीन को पूरा केमिकल वॉश करेंगे ताकि जो इसमें गंदगी है वो ना रहे, चमका देंगे इसको।
सकते हैं आप कितनी गंदगी है इसके अंदर। ये है ड्रम की हालत अभी, और अब इसको साफ करने के बाद दिखाते हैं इसकी क्या पोजीशन। पहले अभी गीला कर लेते हैं, फिर इस पर केमिकल अप्लाई करेंगे। इसमें भी केमिकल अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया ये, और ये इसका जो गियर बॉक्स है ये न्यू है, ये ओल्ड है। इसको अब न्यू वाले को इसमें फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए मुझे